क्या हाल है बच्चों कैसे हैं आप सभी गुड इवनिंग दियांशी दीपांशु राजविंदर अनन्या तुषार धृति नंदिनी वीर हिंदू राष्ट्र मंदीप अमन राजविंद्र शिवम ऑल इन वन अंशी आदर्श अग्रवाल अदिति अग्रवाल तुषार जैन मंदी भविष्य गोयल नेहा विशाल चौधरी ठीक है विशाल जी मैक्सर लोकेश सर आपको देखकर कहाँ डर जाना कहाँ क्या बोल रहा है ये नो no वॉइस सर जितेंद्र सो रहा है हर्ष जैन नमस्ते जशनदीप सिंह शिवम साक्षी आदर्श ऋषभ मनीष पवन दीपांशी गौरव दास प्रीत मिश्रा अपूर्व शर्मा आदित्य गर्ग सचिन साक्षी गोयल आरुष, शुभम अभिज्ञ दिल से माफी चाहूंगा आप लोगों से थोड़ा लेट हो गया सेशन लेने में और जैसा वादा हुआ है कि फर्स्ट वीक में कंप्लीट होगा मतलब होगा चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं उसे कंप्लीट करूंगा और आप लोगों के सपोर्ट का मैं आभारी हूं कि आप हमेशा साथ रहते हैं हमारे रहना दीपांशी नम्रता हिमांशु संकल्प प्रशांत अपूर्व सर मैं कह रहा था आपको देखकर डर पेपर का डर भाग जाता है अच्छा चलिए अच्छी बात है ये तो मिस्टर विशाल कुमार विशाल चौधरी गायत्री गुप्ता अंश बाबर विक्की चौहान हाँ बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई गायत्री बात तो बिल्कुल ठीक है बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रोड्यूसर बिहेवियर आज से शुरू हो रहा है मनदीप सिंह कह रहे हैं सर वी आर थैंकफुल टू यू मैं भी आप सभी का बहुत थैंकफुल हूँ आप हमेशा हमारे साथ इस संघर्ष की जर्नी में हमारे साथ आप भी संघर्ष करते रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है बाकी बच्चों ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी है अब पेपर आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं तो एकदम दिमाग को ठंडा रखना है है ना और मोह माया से खुद को दूर रखते हुए अपने लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ बढ़ना है ठीक है अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ना है मोह माया से दूर होते हुए मोह माया से ऊपर उठते हुए अभी बच्चों संत बनने का वक्त आ गया है वंश जी हेलो बच्चों संत बनने का वक्त आ गया है पंद्रह बीस दिन आपको संत बनना है ठीक है संत बनते हुए आगे बढ़ेंगे रैना नायर कह रही है समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे देखिए आप ये क्यों समझना चाहती हैं आपके सामने जो है आप करते जाइए ना अर्जन कह रहे जिंदगी में कोई माया नहीं है देखो जिंदगी में कोई माया होना भी नहीं चाहिए नहीं सानिया लेट नहीं है आप क्या करोगे माया का कोई फायदा नहीं है अच्छा नो वॉइस जी पहले तो आप अपना नाम बताइए दीपांशु कह रहा है रिवीजन कंप्लीट कब होगी भाई कितनी बार मुझे एक ही चीज का जवाब देना पड़ेगा <laughs> हाँ आज क्लास में सुनाया था बच्चे को ना किसी से मोहब्बत है ना किसी से फाइट है ना ना किसी से मोहब्बत है ना किसी से फाइट आठ बजे खाना खाता हूं दस बजे गुड नाइट है ना तो बस अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए चलिए शुरू करते हैं बातचीत हो गई और हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों आइए नमस्ते हर्ष पवान जी चलिए स्टार्ट करते हैं बस राघव मेरी तरह ही हो तुम <laughs> चलो बच्चों प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों तो प्रोडक्शन में जो सबसे जरूरी डेफिनेशन हमने जाना था बच्चों सर सबसे सिंपल और सबसे सटीक डेफिनेशन क्या है तो प्रोडक्शन यानी के प्रोडक्शन यानी के बच्चों क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब आप कुछ ऐसा आलतू फालतू बना रहे हैं है ना जो प्रोडक्शन तो है पर वो किसी की कोई भी यूटिलिटी को पूरा ही नहीं कर रहा तो बताओ बच्चों इकोनॉमिक्स में उसको प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे द आंसर इज नो आप कुछ भी बना के खुद को प्रोड्यूसर क्लेम नहीं कर सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो किसी तरीके की यूटिलिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी मौजूद होना जरूरी है आपको अच्छा लगने से नहीं होता है दुनिया जमाने को लगना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में यूटिलिटी है और यूटिलिटी है यानी कि क्या मतलब है भाई यानी आपका जो प्रोडक्ट है किसी ना किसी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो बात बनेगी ठीक है अदरवाइज फिर वो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कंसीडर नहीं होती है। तो इकोनॉमिक्स में कोई चीज बच्चों प्रोडक्शन तभी होगी जब उसके अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी मौजूद होगी जैसे देखिए प्रोडक्शन क्या कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट अब इनपुट यानी के रॉ मटेरियल और आउटपुट यानी के बच्चों फिनिश गुड लेकिन यह डेफिनेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब इसमें यूटिलिटी ऐड हो जाएगी क्या ऐड हो जाएगी बच्चों जब इसमें हो जाएगी जैसे कि मैंने पर्दा, पैंट बना दिया मुझे बगल में पर्दा दिख गया तो मैंने कहा इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने पर्दा के पैंट बना दिया और बोल रहा हूं पर्दे जैसा पैंट पहनो चमकदार अलग अलग डिजाइन के क्या आप पहनना चाहेंगे क्योंकि मैंने इनपुट इनटू आउटपुट तो किया पर्दा मेरा इनपुट है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में पैंट बना के शर्ट बना के पर्दे का आपको दे रहा हूं क्या आप पहनना पसंद करेंगे बताइए द आंसर इज नो क्योंकि ये कौन सी यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है भाई यानी बच्चों केवल इनपुट इनटू आउटपुट होने से बात नहीं कर बनेगी जो भी आपने बनाया है उसके अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए यूटिलिटी इसीलिए बच्चों कहते हैं प्रोडक्शन यानी के क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी नो यूटिलिटी नो प्रोडक्शन आगे बात समझ में चलिए तो इसकी थ्योरी देखते हैं अब एक भाई साहब है कहते हैं इनका नाम है अकॉर्डिंग टू जेम्स बैट्स एंड जे आर पार्किंसन प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेस इन टू फिनिश प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हमने पढ़ रखा है बच्चों इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के अंदर हम गुड्स को और सर्विसेज को दोनों को लेकर के चलते ठीक है हाँ जी सभी बच्चों को गुड इवनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्स यानी आपने जो भी रिसोर्स क्रिएट किया है ट्रांसफॉर्मेशन करके भाई वो किसी काम का होना चाहिए ना नहीं बिल्कुल लेट नहीं है ठीक है अभी जस्ट स्टार्ट किया है धन्यवाद नो no वॉइस जी नो no वॉइस आपके पास वॉइस नहीं है चलिए अब आगे आते हैं तो इट शुड बी नोटेड दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज अ क्रिएशन ऑफ मैटर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर है ना अब हम उतने साइंस के विद्यार्थी तो है नहीं बच्चों हमें बस इस बात को ध्यान रखना है कि हम मैटर क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन ऑफ मैटर नहीं है प्रोडक्शन मतलब जो चीजें ऑलरेडी धरती पर एग्जिस्ट कर रही है उनी का इस्तेमाल करके हम कुछ बना देते हैं हम पानी थोड़ी बना लेंगे हवा थोड़ी बना लेंगे यार यानी जो चीजें धरती पर ऑलरेडी मौजूद है उसी में हम अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं लोगों के वांट को सेटिस्फाई करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन यानी वी कैन नॉट क्रिएट मैटर ठीक है अब देखिए क्या लिखा है वॉट अ मैन कैन डू इज ओनली टू क्रिएट और एड यूटिलिटी टू थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर प्रोडक्शन कैन बी द क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी बताओ बच्चों स्लाइड नंबर वन दिमाग में फिक्स हो गया कि नहीं कि सर प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट तो है पर वो जो ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट है उसमें मौजूद होनी चाहिए किसी प्रकार की यूटिलिटी आगे बात समझ में हम मैटर नहीं बना सकते हैं मैटर तो ऑलरेडी धरती पर मौजूद है हम उसी मैटर का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया क्रिएट कर देते हैं उसी यूटिलिटी को प्रोडक्शन कहते हैं बोलिए क्या जनता मेरे साथ है क्या मेरी खूबसूरत जनता मेरे साथ है तो आइए आगे बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बच्चों बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने है बच्चों फॉर्म यूटिलिटी है ना फॉर्म यूटिलिटी हमने किसी चीज के फॉर्म को चेंज कर दिया देखो लिखा भी है बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऐसे बच्चों लकड़ी काट करके आप चेयर बना रहे हो तो लकड़ी अपने आप में क्या है एक नेचुरल रिसोर्स है आपने लकड़ी को काटा और उसको चेयर का शेप दिया आपने उसका फॉर्म बदल दिया है ना तो फिर ये क्या मानी जाती है बच्चों फॉर्म यूटिलिटी मानी जाती है वेरी वेरी इजी प्लेस यूटिलिटी याद करो क्लास में आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि सड़क पर जो पॉपकॉर्न अंकल जी बेचते हैं भैया जी बेचते हैं वो आपको गर्मा गर्म पॉपकॉर्न दस रुपए का या बीस रुपए का थैला दे देते हैं लेकिन वही पॉपकॉर्न आप अपने मोह माया के साथ जब आप सिनेमा हॉल में खाते हैं तो वो मोह माया कितना महंगा पड़ता है तो अगर आप उस मोह माया के साथ उन भैया के पास जाएंगे तो दस रुपए ही पड़ेगा अगर आप उस मोह माया के साथ उस सिनेमा हॉल में जाएंगे तो दो सौ रुपया पड़ेगा तो गलती मोह माया की नहीं है गलती जगह की है आप मोह माया को गलत जगह लेकर के जा रहे हैं तो यानी जब आप किसी चीज की जगह को बदल देते हैं मतलब जहां किसी चीज की वैल्यू कम है अगर आप उसको ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो प्लेस चेंज करने की वजह से यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है <laughs> देखिए लिखा है ना चेंजिंग द प्लेस ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस वेयर आर लिटल और नो यूज टू अनदर प्लेस वेयर दे आर ऑफ ग्रेटर यूज काम हो जाएगा है ना <laughs> दो सौ कम बोला चलो कोई बात नहीं टाइम यूटिलिटी बच्चों आज दुनिया जमाना तुमको इग्नोर कर रहा होगा क्योंकि तुम शायद किसी काम के नहीं हो है ना लोगों को लग रहा है तो कुछ नहीं करेगा तुम मुस्कुराओ और देखो कहो कोई बात नहीं भाई बोल ले बोल ले कोई बात नहीं बोल ले बोल ले आज जो कहे कह लेने दे अपना भी टाइम आएगा तो जिस दिन आप सीए बन जाओगे उस दिन वही लोग कहेंगे कि पता था कि लड़का कुछ ना कुछ लड़की कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेगी जरूर तो आज भले आपके अंदर योग्यता नहीं है लेकिन आपका भी तो समय बदलेगा नाम के बगल में सीख लिखा जाएगा आज दुनिया जमाने को आपके अंदर यूटिलिटी नहीं नजर आ रही है पर कल जरूर नजर आएगी यस और नो तो दैट इज कॉल्ड बच्चों टाइम यूटिलिटी इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे हम जब देखिए जब सीए करते हैं तो आपको अब बेजती के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और वो बेजती नहीं है उसको इंजॉय कीजिए जो भी आपकी बेजती कर रहा है वो मूर्ख है उसको कल को बहुत बड़ा तमाचा लगने वाला है।, है ना आपको कोई ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है जिसको सीए के बारे में पता ही नहीं है वो आपको बता रहा है कि सीए करो ये मत करो आपको अलग अलग तरीके से गाइड कर रहा है जिसने बच्चों प्रभु का प्रभु को जिसने देखा ही नहीं है वो रूप बताना जानेगा ईश्वर को देखा ही नहीं वो क्या रूप बताएगा है ना आपके पास ईश्वर होंगे आप रूप अच्छे से बता पाइएगा है ना चलिए तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी जैसे पुराने समय में क्या होता था पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे मतलब मैं बहुत पुराना नहीं हूं हाँ तो पुराने समय में क्या था कि अगर हमें मटर पनीर वगैरह खाना होता था तो हमें मटर का सीजन का वेट करना पड़ता था कि मटर का सीजन आया तो मटर पनीर खाएंगे लेकिन आज बच्चों सालों भर मटर मिलता है वो फ्रोजन मटर मिल जाता है लेकिन उगता तो सीजन में ही होगा ना लेकिन फ्रोज़न मटर महंगा बिकता है कि नहीं तो यानी उसको स्टोर किया बाद में महंगे दामों पे बेचा टाइम के बाद है ना दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी सर्विस यूटिलिटी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या है ये एक सर्विस यूटिलिटी है तो आपके मॉड्यूल में ये चार तरीके की यूटिलिटी दे रखी है सर्विस यूटिलिटी टाइम यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी बताओ बच्चों क्या यहां तक जनता साथ है जी चलिए ठीक है अब आइए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक-एक करके सबके फीचर को हम समझेंगे जैसे लैंड बच्चों कोई बना सकता है क्या मुकेश अंबानी भी चाहे तो जमीन को जन्म दे सकते हैं जमीन को बना सकते हैं चलो एक कंपनी बनाते हैं जो जमीनें बनाएगी नहीं हो सकता है तो लैंड क्या है बच्चों एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स आप चाह करके भी अपने जमीन को धक्का मार के बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं ये जितना है ये उतना ही रहेगा तो सप्लाई ऑफ लैंड क्या है बच्चों? बच्चो है। कुछ भी हो जाए बच्चों जमीन थोड़ी खत्म हो जाएगी जमीन क्या है एक इनडिस्ट्रक्टिबल फैक्टर है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है ठीक है फिर उसके बाद लैंड एक पैसिव फैक्टर है बच्चों लैंड एटीट्यूड में रहता है कहता है कहता मैं कुछ भी नहीं करूंगा खुद से मैं मैं बस सोया रहूंगा मैं कुछ नहीं करूंगा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे लैंड अपने आप में एक पैसिव फैक्टर है लैंड अपने आप अपने ऊपर घर नहीं बना सकता लैंड अपने आप अपने ऊपर खेती नहीं कर सकता जब तक लेबर यानी कि एक जो, एक जो एक्टिव फैक्टर है उसमें ऐड नहीं होगा तब तक लैंड आपको कुछ भी नहीं देगा तो लैंड क्या है बच्चों किसी ना, किसी बच्चो? तो ना आप अपने घर में रहते हो और आपको अपना बेडरूम बहुत पसंद है आपको मजबूरन वहां से जाना पड़ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आप वो अपना खूबसूरत बेडरूम वहां से उठा करके अपने साथ दिल्ली लेकर के आ जाओ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इमोबाइल है ये मूव नहीं हो सकता है ये जहां है वहीं रहेगा लैंड के मल्टीपल यूज़र्स हैं आप अपनी जमीन पे कुछ भी करिए बिल्डिंग बनाइए खेती कीजिए बैंक खोलिए जो आपका दिल करे आप करिए हेट्रोजीनियस है हर जमीन की वैल्यू अलग है हर जमीन की फर्टिलिटी अलग है इस वजह से ये हेट्रोजीनियस है ठीक है ये है बच्चों सात पॉइंट लैंड के बताइए क्या ये वाली स्लाइड क्लियर बच्चों क्लियर है और फिर से मैं देख पा रहा हूं सौ से ज्यादा बच्चे लाइव हैं पर महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है कृपया उस महत्वपूर्ण कार्य को करें चलिए अब बात करते हैं बच्चों लेबर देखिए इकोनॉमिक्स की नजर में हर व्यक्ति क्या है लेबर है इवन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाएंगे तो भी आपको कहा जाएगा कि आप हो मात्र एक लेबर यानी देखो लेबर यानी दो बातें देखो लेबर का पहले मतलब समझो लेबर यानी एग्जर्शन लेबर यानी एक्जर्शन एक्जर्शन यानी मेहनत एक्जर्शन दो तरह की फिजिकल मेंटल या फिर बोथ यानी आप या तो शारीरिक बल का या तो आप शारीरिक बल का प्रयोग कर रहे हैं या आप दिमागी बल का प्रयोग कर रहे हैं पर दिमाग थकता है शरीर भी थकता है बच्चों चाहे वो फिजिकल एक्जर्शन हो चाहे वो मेंटल एक्सर्सन हो या वो दोनों हो हम किसे कंसीडर करते हैं लेबर में कंसीडर करते हैं तो कल आप सीए बन जाओगे बच्चों तो फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा है हैवी तो मेंटल एक्सर्शन होता है शरीर का एक्सर्शन होना अच्छा है क्योंकि शरीर थकता है तो खूबसूरत नींद आती है दिमाग थकता है तो नींद भाग जाती है और जीवन में अगर शांति पूर्वक नींद ना आए तो जीवन बेकार है यानी के बच्चों मेंटल एक्सर्शन ज्यादा डेंजरस है किससे फिजिकल एक्सर्शन से फिजिकल एक्सर्शन तो अच्छा है होना चाहिए है कि नहीं बच्चों तो इवन आप सीए भी बन जाए तो भी आप कहलाएंगे लेबर इकोनॉमिक्स की नजरों में मैं भी क्या हूं लेबर हर व्यक्ति जो किसी प्रकार का फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है या मेंटल एक्सर्शन कर रहा है वो क्या है लेबर है ना चलिए बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के लेबर हो सकता है नहीं हो सकता उसके बाद बच्चों लेबर पेरिशेबल है अब किसी चीज को पेरिशेबल कब कहते हैं ठीक है किसी चीज को पेरिशेबल तब कहते हैं व्हेन द वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड जब आप किसी वस्तु की वैल्यू किसी चीज की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं जैसे आप एक बात समझिए हाँ बिल्कुल विशाल वो भी मस्क जी तो बहुत बड़े है। वो तो बहुत ज्यादा काम करते हैं चलिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं अभी देखिए आपका एग्जाम आ गया है गिने चुने उंगली पर दिन आपके बचे हैं है ना गिने चुने उंगली पे दिन आपके बचे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आज की पढ़ाई कर लूंगा कल की पढ़ाई कल कर लूंगा परसों की पढ़ाई उसके अगले दिन कर लूंगा ऐसा पॉसिबल है बच्चों जो आज चला गया वो कल के लिए स्टोर ही नहीं हो सकता अगर वो नहीं गया आपको लगता है आप कर लोगे तो वो आपका एक दिन बढ़ा देगा यानी आप लेबर को जितना मर्जी चाहे थोड़ा बहुत स्टोर कर भी ले तो आप लेबर को कभी भी पूरी तरह से स्टोर नहीं कर सकते हैं एक मिनट देना बच्चों जरा हाँ जी शुरू करें सभा को चलो तो पेरिशेबल है बच्चों यू कैन नॉट स्टोर लेबर अपने आप में एक एक्टिव फैक्टर है जैसे लैंड एक पैसिव फैक्टर है बच्चों लेबर एक्टिव फैक्टर है जैसे बच्चों अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं पैसिव मोड में तो मैं कुछ भी डिलीवर कर पाऊंगा ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मैं कुछ भी डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे मूवमेंट करनी होगी मुझे बोलना होगा तो लेबर क्या है एक्टिव फैक्टर है तो लेबर क्या है बच्चों एक एक्टिव फैक्टर क्या बच्चों देखिए जीवन में सब कुछ अलग किया जा सकता है आपसे लेकिन आपसे आपकी योग्यता आपसे आपका स्किल अलग नहीं किया जा सकता बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जो जीरो मतलब पहले बहुत ऊंचाई पे थे फिर एकदम जमीन पर आ गए एकदम जीरो और फिर हीरो ऐसा कैसे हुआ बच्चों यानी आपके अंदर जो स्किल है ना उसको आपसे नहीं अलग किया जा सकता है आप सीए बन गए किसी ने आपके साथ बहुत फ्रॉड किया था उसको लगा कि अब आप तो आपकी लाइफ खत्म आपको एक बुरा धोखा दे रखा है आपकी लाइफ को उसने पूरी कोशिश की है कि वो बर्बाद कर दे और खत्म कर दे लेकिन आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट मरोगे जिस दिन ना उस दिन भी तुम्हारे नाम से यह शब्द अलग नहीं हो सकता है मरने उपरांत भी तुम्हारे नाम को सीए कह के ही बुलाया जाएगा कि वो आपका स्किल है यस और नो तो स्किल को आपसे कैसे अलग किया जा सकता है जो क्वालिटीज आपके अंदर है, आप, आपको कैसे अलग किया जा सकता है तो लेबर की जो क्वालिटीज है वो लेबर से इनसेपरेबल है इनको अलग नहीं किया जा सकता है जी हाँ बिल्कुल विराट कोहली जी का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लेबर क्या है बच्चों लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर अब मैं जहां जाऊंगा तो बच्चों इकोनॉमिक्स तो मेरे साथ जाएगी ना कहीं भी बोर्ड मिल जाए पढ़ा लेंगे क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं इकोनॉमिक्स मेरे साथ जा रही है है ना चलिए तो और देखो हर लेबर इक्वली स्किल्ड नहीं है कोई किसी चीज में बेहतर है कोई किसी चीज में बेहतर है कोई किसी से ज्यादा काम कर रहा है कोई किसी से काम कर रहा है ऑल लेबर में नॉट बी प्रोडक्टिव ऑल एफर्ट्स आर नॉट श्योर टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज बहुत लोग टाइम खराब भी करते हैं ठीक है चलिए देखो लेबर की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके पास होती है पुअर बार्गेनिंग पावर गेनिंग पावर का मतलब ये है कि अगर लेबर अपनी कोई कीमत कोट भी करे और अगर उसको वो कीमत कोई ऑफर ना करे जैसे मान लीजिए कि लेबर कहता है कि मैं हजार रुपए में काम करूंगा अब इसको लोग हजार रुपए देना ही नहीं चाहते हैं है ना अब इसको कोई भी हजार रुपए देना ही नहीं चाहता तो क्या ये ऐसा कर सकता है कि चलो आज नहीं काम करूंगा मैं कल काम करूंगा और आज का काम भी कल कर लूंगा और दो हजार कमा लूंगा ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि अगर उसने आज का दिन गवा दिया तो कल वो उसको रिकवर नहीं कर सकता जैसे मान लीजिए इसको लास्ट प्राइस आठ सौ ऑफर हुआ अब अगर ये आठ सौ में आज काम करने नहीं गया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कल वो हजार और कमा लेगा बल्कि उसके ये आठ सौ भी चले जाएंगे तो समझदारी क्या है कि आज आठ सौ मिल रहा है तो ले लो यानी इसकी जो बार्गेनिंग पावर है बहुत हाई नहीं है क्योंकि इसको पता है कि ये पेरिशेबल नेचर का है आज का लेबर ये कल रिकवर नहीं कर सकता है इसीलिए क्या है बच्चों लेबर की पुअर बार्गेनिंग पावर होती है लेबर मोबाइल है जहां बुलाइएगा चला आएगा ठीक है उसके बाद आइए देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई लेबर डिमांड फॉर इट आप एकदम से लेबर की सप्लाई और डिमांड को बदल भी नहीं सकते हैं एफर्ट लगता है आपको समझना पड़ता है और कितने देर खाली बैठना है ये लेबर की मर्जी है आपकी मर्जी है भाई कि आप किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो आपकी मर्जी है कि आप कितने बजे तक जॉब करना चाहते हो आई बात समझ में आपसे कोई फोर्सफुली काम नहीं करा सकता है आई बात समझ में जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो कैसा बनता है किसी को याद है इसका जो ग्राफ है कैसा बनता है किसी को याद है इस पॉइंट की वजह से जो लेबर का ग्राफ है वो कैसा बनता है किसी को याद है बच्चों देखता हूं कौन आंसर देता है पहले जी हाँ हिंदू राष्ट्र जी का जवाब आया है पिक्यूलियर बेंडिंग करेक्ट आंसर है बच्चों शुरुआत में ये ऊपर को जाता है क्यों क्योंकि हमें ज्यादा पैसा मिलता है हम ज्यादा काम करना चाहते हैं पर एक लेवल ऐसा आता है कि हमें कम काम करके ज्यादा पैसा मिलता है समय बदल जाता है तो ये भी बदल जाता है वजह से कैसा बनता है बच्चों पिक्यूलियर बैकवर्ड बेंडिंग ठीक है क्या ये वाली स्लाइड क्लियर है बच्चों जनता साथ साथ तक जनता साथ है जी बिल्कुल ठीक जवाब है आदित्य साक्षी अंशील लक्षिता विशाल संकल्प अपवर्ड बेंडिंग पिक्यूलियर बेंडिंग ठीक है हाँ बिल्कुल हर्ष पमान जी बिल्कुल सही कहा आपने संदीप आचार्य गुड इवनिंग चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अब बात करते हैं बच्चों कैपिटल ठीक है अब देखो पहले तो हो गया बच्चों फिक्स कैपिटल ठीक है तो सबसे पहले बच्चों फिक्स कैपिटल जैसे मैं इस बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं तो ये बोर्ड क्या है बच्चों फिक्स कैपिटल है फिर आता है बच्चे सर्कुलेटिंग कैपिटल जो लगातार इस्तेमाल में आ रहा है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल है जैसे जिस बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको पढ़ाने के लिए वो सर्कुलेटिंग कैपिटल है फिर हम रियल कैपिटल की बात करते हैं बच्चों तो देखो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत से फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं बहुत से फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है हमारे शेयर होल्डर का बेस हो गया हमने कुछ प्रोविजन में पैसा बचा करके रखा हुआ है हमारे कुछ लोन से इंटरेस्ट आ रहा है तो इस तरह के जो कैपिटल होते हैं सब रियल कैपिटल कहलाते हैं द फाइनेंशियल एसेट ठीक है उसके बाद ह्यूमन कैपिटल मैं क्या हूं ह्यूमन कैपिटल हूं आप लोग क्या हो ह्यूमन कैपिटल हो ये जो मेरे हाथ में पेन है ये एक टेंजेबल कैपिटल है इंडिविजुअल कैपिटल का मतलब है कि जैसे हर कंपनी किसी ना किसी चीज स्किल है तो वो जिस चीज में स्किल है वो उसका इंडिविजुअल कैपिटल है जैसे मैं इकोनॉमिक्स जानता हूँ इकोनॉमिक्स तो मेरा अपना क्या है बच्चों एक इंडिविजुअल कैपिटल है आप सी बन जाओगे आप दुनिया भर की चीजें जान जाओगे फाइनेंस जान जाओगे टैक्स जान जाओगे कॉर्पोरेट लॉ जान जाओगे तो ये सारी चीजें आपका इंडिविजुअल कैपिटल बन जाए और जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए हम लेके चलते हैं ठीक है ये सब किसमें कवर होता है बच्चों सोशल कैपिटल में ठीक है जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी क्रिएट करते हैं सब लोग साथ मिलके काम करो एक दूसरे को सपोर्ट करो जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग होंगे जो कहते होंगे कि हमारे यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है हमारे यहाँ काम बहुत स्मूद तरीके से होता है हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है हम सब मिल करके काम करते हैं ये सारी चीजें बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ बट ओनली एग्जिस्ट हियर दैट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल हाँ जी बच्चों क्लैरिटी आ गई कोई दिक्कत आगे बढ़ें गुड नाइट संदीप जी चलो अब बात करते हैं बच्चों इंटरप्रेन्योर की शार्क टैंक का सीजन टू भी आ चुका है वहां पे हर व्यक्ति इंटरप्रेन्योर बनना है तो इंटरप्रन्योर होता कौन है बच्चों देखो इंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ ऐसा कर दे जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे कुछ ऐसा कर दे जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जैसे बच्चे कई लोग को लगता है कि बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर सेम बात है देखिए एवरी इंटरप्रन्योर कैन बी अ बिजनेसमैन मे बी अ बिजनेसमैन बट एवरी बिजनेसमैन इज नॉट नॉटरलींटरप्रोर जैसे बच्चों मैं गरीब आदमी तुम सी ए बन गए तुम लोग के पास अब बहुत सारा पैसा है अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ तो मैंने तुमसे कहा कि बच्चों इतना धन कमा के क्या करोगे हमारी कुछ मदद कर दो तो तुमने कहा ठीक है सर हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं लेकिन आपको उस काम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आपके पास धन है आपके पास राशि है उस केस में आपने कहा कि ठीक है हमें आपका आइडिया पसंद आया हम आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है तो यहां आप इंटरप्रन्य नहीं है तो मैं ही हूं आप इन्वेस्टर है आप बिजनेसमैन अब के केस में देखिए दो बातें होती है एक होता है इन्वेंशन और एक होता है इनोवेशन मतलब जरूरी ये नहीं है जरूरी ये नहीं है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं जरूरी यह है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं अंशी कह रही है आपको फिफ्टी परसेंट इकू धन्यवाद है ना जैसे बच्चों अगर कोई चीज धरती पर नहीं थी आपने उसको क्रिएट किया दैट इज कॉल इन्वेंशन लेकिन इंटरप्रन्योर को इन्वेंशन से कंसर्न नहीं है इंटरप्रनोर समझदार आदमी हो कहता है जो चीजें बहुत पहले से है उसी में दिमाग लगाओ और दूसरों की मेहनत सिखाओ जैसे भारत पे बच्चों सभी लोग अपना अपना अलग अलग क्यू कोड बना रहे थे भारत पे ने दिमाग लगा दिया उसने कहा सबके अलग अलग क्यू कोड है मैं एक क्यू कोड बना देता हूं जो सबके लिए कॉमन हो तो देखो क्यू आर कोड जो लाया उसने तो इन्वेंशन किया लेकिन भारत ने ने किया इनोवेशन यानी इनोवेशन मतलब जो चीजें पहले हैं उन्हीं में चेंजेस लाना दैट इज कॉल्ड इनोवेशन समझ आ गई बात चलो तो इंटरप्रन्य सबसे पहले क्या करता है बच्चों इनिशिएट करता है बिजनेस इंटरप्राइज एंड रिसोर्सेस और इनको कोऑर्डिनेट करता है फिर उसके बाद बच्चों रिस्क नहीं तो क्या है ना रिस्क है तो इश्क है तो रिस्क बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद आ जाओ बच्चों देखो इन्वेंशन नहीं लिखा है क्या लिखा है इनोवेशन क्या लिखा है बच्चों इनोवेशन मतलब इन्वेंशन करिए अच्छी बात है बट ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको इन्वेंट करने आए या ना आए लेकिन आपको इनोवेट करने आना चाहिए चलो अच्छा एक मजे की बात जानते हो क्या है ऑल दो आपकी चीज किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही है आपकी जो इनोवेशन है किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही है लेकिन आपने लोगों को ऐसा रियलाइज करा दिया है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है अब बच्चों एक बात बताओ जैसे ये मोबाइल फोन है अब इस मोबाइल फोन के अंदर पहले क्या था वो वाले लॉक लगते थे पिन वाले तो चार डिजिट का पिन होता है पिन ऐसे डाल के फोन को ओपन करने में कितना टाइम लगता है एक सेकेंड फिर हुआ कि नहीं फिंगरप्रिंट आ गया लोगों ने कहा ये तो कूल cool है अब ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहा कोई विशेष टाइम भी नहीं बच रहा है फिर ये फोल्डिंग वाले फोन आ गए और पता नहीं क्या क्या आ गए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा लेकिन आप लोगों को रियलाइज करा रहे हो कि आपने कुछ इनोवेट किया है ये बताओ बच्चों पैटर्न चलो पैटर्न ले लो ऐसे करके एक पैटर्न खींचने में कितना ही टाइम लगता है कोई टाइम नहीं लगता लेकिन हुआ कि नहीं फिंगर प्रिंट आएगा ये आएगा और उसके प्राइसेस बढ़ा दिएगा और हम दे भी रहे हैं फेस अनलॉक आ गया और पता नहीं अब इसके बाद पता नहीं कौन कौन सा अनलॉक आ जाएगा समझ आ रही है बात तो आपको रियलाइज कराना है कि आपका काम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है समझ आ गई बात दैट इज कॉल्ड इनोवेशन जी क्या ये तीनों बातें क्लियर है अर्ज कह रहा है एक ताला लगा देना चलो अब आइए इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव बच्चों ये बड़ा आसान टॉपिक होता है ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव यानी कि हमें सबसे पहले बच्चों करना है सरवाइव उसके बाद हमें थोड़ा पैसा कमाना है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फिर क्योंकि हम सोसाइटी समाज का हिस्सा हैं हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है ठीक है हमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यानी जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है उसके बाद बच्चों क्योंकि हम इकोनॉमी में भी हमारा कुछ हिस्सा है हमें देश का भी ध्यान रखना है हमें जीडीपी एम्प्लॉयमेंट इन बातों का भी ध्यान रखना है ठीक है आसान सा स्लाइड था येर। विक्की चौहान कह रहा है इंटरप्रेन्योर का कोई कोर्स होता है क्या ऐसे कोर्सेज लोग कराते हैं जबरदस्ती वाले लेकिन इंटरप्रेन्योर एक माइंडसेट है और माइंडसेट का कोई कोर्स नहीं होता है वो आपके अंदर का स्किल है अब आइए प्रोडक्शन फंक्शन तो प्रोडक्शन फंक्शन बच्चों देखो अगर मैं यहां पे बोल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट तो प्रोडक्शन कहला रहा था लेकिन यहां पे लिखा है बच्चों टेक्निकल रिलेशनशिप टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बहुत सारी चीजें हैं बच्चों देखो जैसे यहां देखिए इनपुट भाई चाय बनाने में सबको पता है चीनी लगेगा मिल्क लगेगा है ना और क्या लगता है यार क्या लगता है अदरक मैं चाय वाय पीता नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है भाई और चाय में क्या डलती है? चाय पत्ती भूल गया मैं एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें है ना लेकिन क्या आप कहीं का भी चाय पी लेते हैं बताइए क्या आप कहीं का भी चाय पी लेते हैं आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं चाय पीने जिसके चाय में स्वाद है तो आप पे करने को तैयार है तो ये जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है ना ये हाईली टेक्नोलॉजिकल है मतलब इनपुट और आउटपुट का एक सही रिलेशन बनाना एक बेहतर प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप दे पाए तो आप प्रोडक्शन में सरवाइव कर पाएंगे इकोनॉमी में सरवाइव कर पाएंगे जैसे अगर आप कोई वस्तु बहुत अच्छी बनाते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बनाते हैं तो भी बात नहीं बनेगी बहुत ज्यादा सस्ती बनाने के चक्कर में खराब कर दिया तो भी बात नहीं बनेगी आपने सस्ता भी बनाया अच्छा भी बनाया सॉरी आपने सस्ता भी बनाया अच्छा भी बनाया लेकिन आपके जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जो वैसा चाय बना करके बेच रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगी इस वजह से ये एक क्या है बच्चों हाईली टेक्निकल रिलेशनशिप है याद कीजिए स्टारबक्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, है ना? दिया था कि नहीं बात समझ में आ गई बच्चों चलिए अब बात करते हैं बच्चों शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की देखिए कह रही है आई एम बिग फैन ऑफ चाय बहुत सारे लोग हैं जो चाय के बिग उससे भी बिग फैन है कभी चाय को मना ही नहीं करते चाय दे दो मना नहीं करेंगे चलो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें बच्चों तो बहुत ज्यादा हम टेक्निकल नहीं जाएंगे लेकिन टाइम पीरियड का मतलब हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन के अंदर टाइम पीरियड का मतलब होता है ऑपरेशनल टाइम ऑपरेशनल टाइम यस और नो क्या मतलब होता है ऑपरेशनल टाइम ना कि क्लॉक टाइम अब प्रोडक्शन करने के लिए बच्चों दो फैक्टर होते हैं एक होता है फिक्स फैक्टर और दूसरे होते हैं वेरिएबल फैक्टर अब मैं जब बात करता हूं फिक्स फैक्टर की तो प्रोडक्शन जो है बढ़े या कम रहे ये क्या रहते हैं प्रोडक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट रिमेन्स फिक्स बट ये क्या है बच्चों इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन है कि नहीं लेकिन जब मैं बच्चों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करता हूं तो शॉर्ट रन के अंदर क्या है बच्चों एटलीस्ट एक फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर होना जरूरी है तो हम शॉर्ट पीरियड में हैं लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर बच्चों देर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल फिक्स फैक्टर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल यानी के जो फिक्स थे वो भी वेरिएबल हो जाते हैं और जो ऑलरेडी वेरिएबल है वो तो वेरिएबल रहेंगे ही बोलो बच्चों क्लैरिटी आ गई हिंदू राष्ट्र कह रहे सर थोड़ा फिक्स्ड और शॉर्ट रन रं, लॉन्ग रन के बारे में बता दीजिए प्लीज देखिए फिक्स फैक्टर की बात करूं बच्चों अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये जो मैंने बोर्ड आपको मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ये फिक्स है ये जिस पेन से पढ़ा रहा हूं ये फिक्स है अब मैं चाहे कितने भी घंटे की क्लास लूँ ये क्या रहने वाला है फिक्स रहने वाला है पर बैटरी खत्म होगी कि नहीं बैटरी खत्म होगी कि नहीं क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल मतलब जो बदले अब जितनी ज़्यादा मैं क्लास लेते जाऊंगा उतनी ज़्यादा बैटरी की कंजम्पशन भी बढ़ेगी जितनी कम क्लास लूंगा उतनी बैटरी की कंजम्पशन कम होगी क्लास नहीं लूंगा तो बैटरी का इस्तेमाल होगा ही नहीं तो वेरिएबल फैक्टर यानी जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़े जो प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाए जो प्रोडक्शन के जीरो होने से जीरो हो जाए लेकिन फिक्स फैक्टर को कोई को लेना देना नहीं है चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन कम हो जाए आगे बात समझ में अब ये हो गया फिक्स और वेरिएबल का जब मैं है, वो पचास बच्चों की है तो जो जगह मैंने ली है वो फिक्स फैक्टर है और उसके बाद क्या है मैं मार्कर पानी इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए ये वेरिएबल फैक्टर है लेकिन कल को अगर पचास बच्चों की कैपेसिटी बढ़ जाए तो मुझे अब अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे उस जगह जाना पड़ेगा जहां मैं पचास से ज्यादा बच्चे बिठा सकू तो यानी जो फैक्टर अभी तक फिक्स था वो भी वेरिएबल हो गया और जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल रहेगा ही यानी लॉन्ग रन में जो फिक्स वाले होते हैं वो भी वेरिएबल हो जाते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला कि इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल बट इन द शॉर्ट रन देर आर सम फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर ठीक है राहुल ऑल जो बच्चे पूछ रहे थे और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हाँ जी क्लैरिटी आ गई अब आइए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है इसको समझते हैं देखिए दो लोग थे पॉल एच दूसरे थे टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू कॉप डगलस ऑफ यूएसए क्रेडिट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी से दो लोग के नाम तो आपको याद रखनी है यूएसए को आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपको याद रखना है इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म दिस प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज नॉट एन इंडिविजुअल फॉर्म बट टू द होल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट मतलब जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर्म थे वो सभी लोग इस प्रोडक्शन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे चाल चौधरी लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाएंगे वही तो तब से चीख चीख के बोल रहा हूं साक्षी अभी हम पहुंचे नहीं है वहां साक्षी गोयल हम अभी यूएस डीयूएस पे नहीं पहुंचे हैं थोड़ा वेट कीजिए चलिए अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है ये बच्चों इसका इक्वेशन है ये इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं यहां पर Q का मतलब क्या है बच्चे आउटपुट L का मतलब क्या है देखिए L दिया है L का मतलब क्वांटिटी ऑफ लेबर C का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल यानी ये हो गया कैपिटल ये हो गया लेबर एंड ए आर पॉजिटिव ठीक है अब आगे आइए स्टडी याद कीजिए हमने एक पढ़ा था कि जो थ्री बाई फोर था वो कहां से आता था थ्री बाई फोर लेबर से आता था आता था कि नहीं और वन बाई फोर कहां से आता था कैपिटल से आता था जिसकी वजह से इसका कंक्लूजन वन आता था है ना? वजह से इसका कंक्लूजन वन आता था आता था कि नहीं तो वन आने की वजह से इसकी अजम्पशन क्या रहती है, क्या आती है? लेकिन ये है अगर आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे किस तरह के रिटर्न आते हैं तब आप तो यही आंसर देंगे सर, आते हैं। लेकिन हाँ वो चेंज हो सकता है लेकिन अजम्पशन पूछे तो एक के बराबर आता है कॉन्स्टेंट रिटर्न आता है नहीं नहीं एकलव्य जो तो जिसने जिस तरह दिया है उसका वैसे ही इस्तेमाल होगा आदित्य गर्ग ये कैसे हो जाता है भाई मैं सब पर लाइव कैसे हो रहा हूं भाई ये क्या हो रहा है चलिए जो भी आप अपना पढ़ाई करते हैं चलो खैर ऑल दो द कॉप प्रोडक्शन फंक्शन सफर्स फ्रॉम मैनी शॉर्ट कमिंग इट इज एक्सट्रीमली यूज इन इकोनॉमिक्स एज एन अप्रोक्सीमेशन मतलब ये सही वैल्यू नहीं देता है ये अप्रोक्स वैल्यू देगा बच्चों पर मेन जो इसका है ये है ये वाला स्लाइड ये ज्यादा काम का है ठीक है हाँ ये ज्यादा काम की स्लाइड है बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमने क्लास में पढ़ रखा है चलिए अब यहां पर आप देखिए क्या दिखा हुआ है ध्यान से समझना बच्चों Q इज आउटपुट Q इज आउटपुट L द क्वांटिटी ऑफ लेबर द quantity ऑफ कैपिटल के ए बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स देखिए याद करो बच्चों, इसको हमने इलास्टिसिटी से रिलेट किया था हमने पढ़ा था कि ए को मानो अल्फा और बी को मानो बीटा याद करो हाँ हाँ वही वो आसान तरीके से बताया था वही आसान तरीका आपको अभी बता रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा यानी के बच्चों ए यानी के इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ लेबर अभी समझ में आ जाएगा यानी के इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और जब हम प्रोडक्शन करते हैं बच्चों तो प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल होता है कि नहीं एकदम ध्यान से सुनना दिमाग में फिक्स हो जाएगा ठीक है देखो ध्यान से प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल अल्फा किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चे इफिशियंसी ऑफ लेबर बीटा किसको इंडिकेट कर रहा है इफिशियंसी ऑफ कैपिटल किसी को ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स कहते हैं लेकिन उससे बेहतर है आप इसको इस तरीके से समझे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना ये दोनों आपका मिला करके इनपुट है ठीक है ये दोनों मिला के आपका इनपुट है तो आप इनपुट जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा आपको आउटपुट आ रहा है, है ना इनपुट लगाया थर्टी परसेंट लेकिन आउटपुट निकल रहा है पचास परसेंट तो बीस परसेंट का मार्जिन आपको मिल रहा है कि नहीं तो इफिशियंसी ऑफ लेबर प्लस इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन वन तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जितना आप अपने जेब से लगा रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिटर्न आ रहा है आपके लेबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं

चीजें बैठ गई हूं हाँ जी क्लियर बात हाँ जी समझ गया बच्चों

कहां पर यूएसए कौन सी यूनिट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कहां से आता है लेबर से वन बाई फोर हो जाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि क्योंकि हो जाते हैं तो कॉन्स्टेंट रिटर्न देते हैं लेकिन अगर किसी तरह का चेंज आए अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन वन आ रहा है यानी जितना हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमें रिटर्न आ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाता है अल्फा प्लस बीटा equal to वन हो जाए तो कांस्टेंट रिटर्न हो जाता है अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन हो जाए तो डिमिनिशिंग रिटर्न हो जाता है बच्चों यानी हम जितना लगा रहे हैं हमें उतना रिटर्न नहीं आ रहा है उससे कम रिटर्न आ अरे एक लव भाई जब एमसीक्यू कराऊंगा तो मैं वो वाला डाउट ऑटोमेटिकली कवर कर दूंगा अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं आप मुझे एमसीक्यू भेजे जा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लीजिए एमसीक्यू कराऊंगा तो डाउट कवर हो जाएगा हबरा क्यों जाते हो यार आज तो एमसीक्यू हो भी नहीं पाएगा आज मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट पढ़ा के कॉस्ट और प्रोडक्शन दोनों के एमसीक्यू हम साथ में करेंगे हाँ जी आगे बढ़ जाए अगर जनता अलाउ करे तो मैं आगे बढू मुझे ध्यान नहीं है सानिया जी ठीक है चलो अरे पूरी क्लास तो खत्म करने दो फिर अपने आप तुम्हारे डाउट खत्म हो जाएंगे ठीक है चलो अब आ जाओ बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ठीक है ये एक शॉर्ट पीरियड पॉसिबिलिटी है आइए इसकी पॉसिबिलिटी को हम समझते हैं जैसे अभी हम पहले समझेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न तो बच्चों स्वाभाविक है कि अगर ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है यस और नो मिल रहा है कि नहीं अब यहाँ देखो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में आओ यहां देखो ये जो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट है ये ऊपर जा रहा है कि नहीं यहां तक ये ऊपर गया और फिर यहां से ये फॉल हुआ ठीक है। टोटल प्रोडक्ट जब ऊपर जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी ऊपर जा रहा है जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो भी ऊपर जा रहा है बस वो टीपी से कम जा रहे हैं जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन इसका इन दिस स्टेज द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट इन द फिगर पॉइंट एफ तो एफ देखो यहां तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ठीक है, जैसे दो से बढ़ा फिर चार से बढ़ा फिर आठ से बढ़ा फिर फिर पंद्रह से बढ़ा ऐसे हर पॉइंट पे और ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ शुरुआत में फिर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है जिस वक्त टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है ठीक उसी वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो राइजेज ध्यान से देखो इसमें बड़े डाउट रहते हैं बच्चों को एकदम क्लियर कर लो

पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में फिक्स कीजिए फिर देखो फ्रॉम पॉइंट एफ अब एफ के बाद से ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग द स्टेज वन टोटल प्रोडक्ट गोज ऑन राइजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट यहां तक बढ़ा एट इंक्रीजिंग रेट यहां पर भी बढ़ रहा है बच्चों लेकिन आप ग्राफ का कर्व थोड़ा नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं यानी ऊपर तो जा रहा है लेकिन घटते कर्म में जा रहा है बढ़ते कर्मों में नहीं जा रहा है घटते यानी कि ऑर्डर में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग ऑर्डर लेकिन अब देखो यहां पर तुम इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखोगे कि जब इसका इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट से शुरू हुआ तो टीपी तो इंक्रीज हो रहा है देखो टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन ठीक इसके नीचे देखो यहां पर तो कि जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगेगा तो टीपी तो बढ़ेगा लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कम हो जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाएगी लेकिन जब हम इंक्रीजिंग रेट पर हैं तो टीपी भी बढ़ेगा एपी भी बढ़ेगा और एमपी भी बढ़ेगा तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए सिंपल सा आपसे यह पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि आपका इंक्रीजिंग रेट पर क्या होता है तो आप सिंपली कहोगे जब टीपी एपीएमपी तीनों बढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है आदित्य भंडारी कह रहे हैं कि एपी और एमपी में बड़ा कौन है बच्चों ग्राफ देख के भी लोग आंसर दो अब इतना समझाने के बाद तो ये सवाल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इस पॉइंट तक आप देखें तो एमपी जो है वो बड़ा है एपी से देखिए यानी कि इनफ्लेक्शन से पहले ठीक है इनफ्लेक्शन पॉइंट से पहले आप देख पा रहे एपी बड़ा है सॉरी एमपी बड़ा है और एपी छोटा है और इन्फ्लेक्शन के बाद एमपी नीचे आ रहा है यानी एमपी छोटा हो रहा है एपी बढ़ रहा है अरे ये बड़े आसान होते हैं ग्राफ को ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए सीधे ग्राफ टेबल देखा और सारे सही होते चले जाए आप घबरा जाते हैं निशा यादव हेलो गुड इवनिंग बोलो बच्चों इतना क्लियर हो गया यानी सिंपल सी बात है कि सर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट का मतलब है टीपी बढ़ रहा है एपी भी बढ़ रहा है एमपी भी बढ़ रहा है लेकिन टीपी जब डिक्रीज होने इंक्रीज हो लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो तो एपी भी कम होगा और एमपी भी कम होगा इतनी बात समझ में आ गई लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है सेकेंड स्टेज पर देखो लेकिन वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है अभी वो पॉजिटिव है एक्स एक्सिस तक है अभी नीचे गया नहीं है फिर देखो स्टेज वन वेयर द एपी कर्व रीचेस इट्स हाइएस्ट पॉइंट स्टेज द एपी द मार्जिनल प्रोडक्ट रीचिंग इट्स मैक्सिमम अब देखो इनफ्लेक्शन पॉइंट पर तुम देखो एपी अभी भी थोड़ा राइज कर रहा है लेकिन एमपी फॉल होना शुरू हो गया देखो ग्राफ देख के

हाँ जी बच्चों स्टेज वन क्लियर स्टेज वन क्लियर है बच्चों स्टेज वन क्लियर है बच्चों आगे बढ़े आ जाओ स्टेज टू ठीक है हाँ। ये गलती से इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया है बच्चों ये होगा डिमिनिशिंग रिटर्न ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है ये होगा डिमिनिशिंग रिटर्न देखो सेकेंड स्टेज पे भी ना लॉस नहीं हो रहा है रिटर्न आ रहे हैं लेकिन स्टेज वन से कम रिटर्न आ रहे हैं मतलब मुनाफा आपको है सामान आपका बिक रहा है पैसा आपको आ रहा है लेकिन स्टेज से कम आ रहा है तो भाई प्रोडक्शन तो हम चालू रखेंगे ना प्रॉफिट आ तो रहा रहा है है ना कम आ रहा है तो क्या हो गया अब डिमिनिशिंग रिटर्न स्वाभाविक सी बात है बच्चों के एफ के बाद स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग के बाद स्टार्ट होगा तो देखिए इन द स्टेज टू द टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा मतलब पहले दो हुआ दो से पांच है लेकिन उसके बाद देखो दो और पांच में दो और पांच में तीन का डिफरेंस है अगले में बढ़ेगा पांच से सात हो जाएगा अब ये डिफरेंस दो का रह जाएगा अगले में बढ़ेगा सात से आठ हो जाएगा अब ये डिफरेंस वन का रह जाएगा यानी कि इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होगा लेकिन कोई बात नहीं पैसे तो आ ही रहे हैं मुनाफा तो आ ही रहा है कमाई तो चल ही रही है तो प्रोडक्शन हम रोकेंगे नहीं प्रोडक्शन हम कंटिन्यूड रखेंगे ठीक है लेकिन मजे की बात यह है इनफ्लेक्शन पॉइंट जो आप एफ पर देख पा रहे हैं तो यहां देखो इस पॉइंट पे देखो ध्यान से देखो भैया एफ पॉइंट जो है बच्चों यहां देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद ना एमपी फॉल हो रहा है देखो ये ग्राफ देखो नीचे को जा रहा है लेकिन एपी अभी भी ऊपर है तो आंसर निकल गया कि नहीं कंक्लूजन आ गया कि नहीं कि भैया सेकंड स्टेज पर टीपी इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट सेकंड स्टेज पर हमारा एमपी जो है वो डिक्रीज होगा लेकिन एपी अभी भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है यस और नो साफ साफ ग्राफ में दिखाई दे रहा है ठीक है अब देखो इन दिस स्टेज बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ़ द वेरिएबल फैक्टर आर आर डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव कम तो होने नहीं गए पर खत्म हो जाएगा यहां पर खत्म हो जाएगा पॉइंट एम कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइस्ट पॉइंट ऑफ एच प्रोडक्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जीरो पर आकर के यहाँ पर खत्म हो रहा है कि नहीं ओरिजिन के सामने आके खत्म हो रहा है कि नहीं तो ये इंडिकेशन है कि अब प्रोडक्शन मत करो क्योंकि अगर आप अब प्रोडक्शन करोगे तो टीपी तो फॉल करेगा ही एपी भी फॉल करेगा और साथ के साथ एमपी आपका नेगेटिव में चला चला जाएगा तो स्टेज थ्री के बारे में सोचना भी नहीं है तो स्टेज टू इज नोन एज द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिकॉज बिकॉज बोथ द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कंटिन्यूअसली फॉल ड्यूरिंग दिस स्टेज दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द फर्म विल सीक टू प्रोड्यूस विद इन इट्स रेंज तो आप ज्यादा से ज्यादा सेकेंड स्टेज तक जाएंगे थर्ड में जाएंगे तो आपको फिर लॉस हो सकता है बोलो बच्चों सेकेंड स्टेज क्लियर पीपी कर्व कॉन्वेक्स होता है कॉनवेक्स ठीक है कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स चलिए अब स्टेज थ्री तो बच्चों आसान सी बात है इन द स्टेज थ्री टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन एमपी नेगेटिव एवरेज प्रोडक्ट डिमिनिशेस This stage stage is called the the of negative returns. In the of product of the variable factor is negative during this stage. अच्छा तुम लोग बताओ बच्चों स्टेज ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए हमें फर्स्ट स्टेज पे काम करना चाहिए second पे काम करना चाहिए थर्ड पे काम करना चाहिए काम किस पे करना चाहिए स्टेज वन पे स्टेज टू पे या स्टेज थ्री पे फर्स्ट स्टेज पे सेकंड स्टेज पे फर्स्ट स्टेज पे सेकंड स्टेज पे सेकंड पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सुनो मेरी बात ध्यान से देखो देखो अगर तुम स्टेज वन पे प्रोडक्शन करके छोड़ दोगे ना तो फिर तुम अपने फिक्स फैक्टर का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे को सेकेंड स्टेज पे लॉस थोड़ी हो रहा है सेकेंड स्टेज पे मुनाफा तो आ ही रहा है ना तो भाई कुछ तो आ रहा है तुम्हारा फिक्स फैक्टर इस्तेमाल तो होगा समझ आ रही है बात तो स्टेज वन पे अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप अपने फिक्स फैक्टर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सेकेंड स्टेज पर आपके फिक्स फैक्टर का पूरा इस्तेमाल होगा आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे रहेंगे थर्ड में आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको होगा लॉस यानी हम फर्स्ट में नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि अभी और मुनाफा आ सकता है थर्ड में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे को नुकसान हो जाएगा सेकेंड में हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारे को अभी सेकेंड पे रहने से हमारे फिक्स फैक्टर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए ठीक है बोलो इतनी बात समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई

और मैं तुमको मुफ्त में पिला रहा हूं तो पियोगे कोई चीज आपको नुकसान भी करे ना लेकिन वो मुफ्त की है, तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो पे इवन फैक्टर फ्री मिलेगा तो भी आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे रैशनल प्रोड्यूशन जो है स्टेज वन पे भी नहीं करेगा क्योंकि वो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा इसीलिए समझदार आदमी पे प्रोड्यूस करेगा रैशनल प्रोड्यूसर stage ऑलवेज प्रोड्यूस इन स्टेज टू product and बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द नहीं लगता कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में आप क्वेश्चन अब गलत करेंगे क्या मैं इतनी उम्मीद रखूं कि अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे फिर से एक बार देख लेते हैं स्टेज वन में टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एपी ऑल्सो इंक्रीजेज एम पी ऑल्सो इन द सेकेंड स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एपी एम पी आर स्टिल पॉजिटिव बट इन द थर्ड स्टेज टीपी स्टार्ट फॉलिंग एपी स्टार्ट फॉलिंग एंड एम पी बिकम्स नेगेटिव खत्म बात इतना तो एक्सप्लेन कर दिया पर उतने की जरूरत ही नहीं थी समझ आई बात अब आपके सारे सवाल हो जाएंगे चलिए अब आते हैं बच्चों इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस पे चर्चा करते हैं अभी बच्चे चैट में लिख रहे थे तो देखिए आ गया ये टॉपिक भी देखिए जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट है यानी एक को बनाने का जो खर्चा है वो कम होता है जिसकी वजह से ओवरऑल खर्चा कम हो जाता है तो इफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फ लार्ज तेल प्रोडक्शन इक्रीजेज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कॉल्ड ई एस यानी के इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नो और नो जब आप ज्यादा बनाते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड होते चला जाता है आपको जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें भी फायदा मिलना शुरू हो जाता है ज्यादा बेचने की वजह से आप कम मुनाफे में भी ज्यादा कमा लेते हैं यस और नो तो ये सारे फायदे आपको होते इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दस इंक्रीजेज द प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लेकिन बच्चों अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में करना तो चाहता हूं लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनक्रीजेज दस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैंने ज्यादा प्रोड्यूस तो किया लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कम होगा लेकिन वो उल्टा बढ़ गया मुझे तो नुकसान हो गया ना भैया मुझे तो डिस इकोनॉमीज मिलने लग गई ना यानी अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा तो ईओ एस लेकिन अगर वही लार्ज स्केल प्रोडक्शन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो डी ओ एस पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाएगा तो डी ओ एस पर यूनिट कॉस्ट को कम करेगा तो ईओ एस बोलो बच्चों ईओ एस एस समझ में आ गया जिनको जो कंफ्यूजन थी दूर हो गई हां जी क्लियर बच्चों फटाफट से अब खत्म होने वाला है चैप्टर बाकी छोटी मोटी चीजें हैं वो एमसीक्यू के साथ खत्म हो जाएगी आगे बढ़े अब देखो इंटरनल इकोनॉमीज़, इसको भी समझते हैं देखो इकोनॉमीज मतलब फायदे और डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान अब जैसे बच्चों एक बात बताओ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करता हूं है ना और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ओपन किया है मेरे यहाँ का जो स्टाफ है मेरे यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये बड़ा अच्छा है राहुल जो स्टाफ है, जो मेरा है, ये बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कही ये को कर लेगा। आ, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं बोलते हैं कि भैया मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी है वो पैम्फलेट ऐसे आपके सामने फेंक देता है और मुंह के बैठ जाता है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता कुछ भी नहीं समझाता आप कहोगे भैया तुम रखो अपना ब्रांड नेम हमें नहीं पढ़ना तुमसे लेकिन आप कहीं जाते हैं कोई आपसे अच्छे से बात करता है आपको एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग देता है आपको बिठाता है आपके सारे प्रॉब्लम को सुनता है स्वाभाविक तो है कि आप उधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे यानी इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल स्टाफ ये चीजें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है सामने यस और नो डालती है कि नहीं डालती तो जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है जो हमारा इंटरनल स्टाफ है ये भी हमें फायदे पहुंचाता है तो जो हमें अपने स्टाफ की वजह से अपने इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से जो हमारा सेल इंक्रीज होता है जो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है ये हमारी इंटरनल इकोनॉमीज है लेकिन कई बार क्या होता है कि किस्मत बड़ी अच्छी होती है बाहर के लोग कुछ अच्छा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें फायदा हो जाता है तो प्लास्टिक बैन हुआ तो पेपर बैग वालों की चांदी चांदी आ गई फेस टू फेस क्लास बंद हुई जूम वालों की चांदी आ गई ऑनलाइन वालों की चांदी आ गई यस और नो, सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली जो बिजनेसमैन के फेवर में आ गई तो यहां पर ये सब अनकंट्रोलेबल है अरे बात समझ में ये सब एक्सटर्नल इम्पैक्ट है फायदा मुझे हो रहा है पर मेरी मेहनत से नहीं किसी बाहरी फैक्टर से मुझे फायदा हुआ ठीक इसका उल्टा बच्चों इंटरनल डिस तो हो सकता है स्टाफ बदतमीज है अब स्टाफ बदतमीज है आपने कहा कि भैया तुम्हारे नहीं पढ़ना है चला गया तो यही इंटरनल डिस इकोनॉमीज हो जाएगी यही हो जाएगी इंटरनल डिस इकोनॉमीज और अगर हम इधर बात करें बच्चों तो यहां पर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज हो जाएगी अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया जो तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी हम फंस गए मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता था सरकार ने बंद कर दिया अब क्या करूं मेरी तो कोई गलती नहीं है ये क्या है एक्सटर्नल इकॉनमी हाँ बिल्कुल टिकटॉक का एग्जांपल ले सकते जी हाँ समझ गए क्लियर है बात क्लियर है बात आगे बढ़ जाए बच्चों अब आ जाइए रिटर्न टू स्केल तो रिटर्न टू स्केल बच्चों एक लॉन्ग रन पॉसिबिलिटी है जब लिखा होता है रिटर्न टू अ फैक्टर तो रिटर्न टू अ फैक्टर का मतलब है शॉर्ट पीरियड पॉसिबिलिटी लेकिन जब स्केल वर्ड जब भी यूज हो बच्चों रिटर्न टू स्केल तो वो होता है बच्चों लॉन्ग पीरियड पॉसिबिलिटी Assumption ये रहती है साफ साफ है है कि कि साफ-साफ देखो ऊपर लिखा क्यों बच्चों? क्योंकि हमें पता नहीं है, exact proportion, तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि फिक्स और वेरिएबल सेम परसेंटेज से इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे तो यह होता है बच्चों रिटर्न्स टू स्केल अब रिटर्न टू स्केल कॉन्स्टेंट हो सकता है इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है ठीक है अब देखो सिंपल सी बात समझो अगर मैं लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करता हूं मैं शॉर्ट पीरियड की बात करता हूं बच्चों तो वहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न है डिमिनिशिंग रिटर्न है नेगेटिव रिटर्न है लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं तो यहां पर नेगेटिव रिटर्न जैसा कुछ नहीं होता है यहां पर या तो रिटर्न इंक्रीजिंग होगा या रिटर्न कॉन्स्टेंट होगा या रिटर्न डिक्रीजिंग होगा अब देखो हम जानते हैं बच्चों के प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है ना तो लेबर प्लस कैपिटल इक्वल टू थर्टी परसेंट बट आउटपुट इंक्रीज इज फिफ्टी परसेंट यानी कि आपने 30% इनपुट लगाया लेकिन 50% परसेंट आउटपुट का बेनिफिट मिल रहा है आपको तो बताओ आई आर एस है क्या या डी आर एस है या सीआरएस है इंक्रीजिंग रिटर्न है कॉन्स्टेंट रिटर्न है या डिमिनिशिंग रिटर्न है आई आर एस सी आर एस डी आर एस वही था बस कहने का तरीका अलग है रहना जी फटाफट आंसर पड़ दो आई आर एस डी आर एस सीआरएस सभी बच्चों ने कहा आई आर एस ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा ये ये हो गया आई आर एस अब देखो इधर लगा तीस परसेंट इधर भी आया तीस परसेंट तो क्या हो गया सी आर एस और इधर लगा तीस परसेंट लेकिन इधर आ रहा है पच्चीस परसेंट तो क्या है बच्चों ई अब वही सब थ्योरी बच्चों लिखी है बी इंक्रीज ऑल फैक्टर स्केल इन अ गिवन प्रोपोर्शन

Imanishing मिलेगा, ठीक है? अब आइए की बात करते हैं। तो तो बच्चों जब हम पढ़ते थे तो कर्व में क्या होता था इन डिफरेंस कर्व वो कर्व था हाँ समझने के बाद हिंदी की कहानी थ्यूरी में कुछ होता नहीं है आइसो क्वांट की जब हम बात करें तो बच्चों इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता था कि एक ग्राफ पर कोई भी पॉइंट मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देता था मतलब हर कॉम्बिनेशन मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देता उसी तरह से बच्चों आइसो क्वांट है आइसो क्वांट प्रोड्यूसर का साइड है प्रोड्यूसर का साइड है।, है मतलब अब फिर से देखो कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल होता है आप कहोगे हां जी सर होता है अब देखो तीस लेबर पचास कैपिटल सो तो चालीस कैपिटल सत्तर लेबर सौ पचास और साठ सौ तो यानी मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ठीक है यानी के बच्चे अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना रहा हूं तो मेरा जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो तो सेम ही आ रहा है जो मेरा रिजल्टेंट आउटपुट है वो तो सेम ही आ रहा है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करूं चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करूं चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन चूज करूं, क्योंकि सबसे जो रिजल्टेंट आउटपुट है है, वो तो सेम है। तो सेम सेम कहानी भी तो इनडिफरेंस में होती थी लेकिन इनडिफरेंस कर्व इनडिफरेंस कर्व बच्चों जिस तरह से किसके बिना अधूरा था इनडिफरेंस कर्व बच्चों किसके बिना अधूरा था बताओ इंडिफरेंस कर्व किसके बिना अधूरा था किसी को याद है बिल्कुल ठीक बात इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फेक्शन तो बताता था पर सेटिस्फैक्शन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज मेरे बजट में आ जाए उसी तरह बच्चों आइसो क्वांट जो है आइसो कॉस्ट के बिना अधूरा है नो no डाउट ये तीनों कॉम्बिनेशन सेम आउटपुट देते हैं लेकिन ये वाला चीपेस्ट है ये वाला चीपेस्ट है ये सबसे सस्ता है तो मैं कॉम्बिनेशन बी चुनूंगा कि नहीं यानी कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन बी प्लस हंड्रेड यूनिट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर्स इक्विली यस और नो देखो कितना आसान हो गया

ये जो आईसो कॉस्ट लाइन को छू करके जो चला जाए ये पॉइंट जो है प्रोड्यूसर का इक्विलिबीरियम बनाएगा कि नहीं सेम पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिबीरियम बनाता था अब यही क्या है यही क्या है हाँ साक्षी ने आंसर दे भी दे दिया अब ई पॉइंट के ऊपर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि पैसे मेरे जेब से कम से कम लग रहे हैं लेकिन बेनिफिट मुझे ज्यादा से ज्यादा हो रहा है बोलो बच्चों क्लैरिटी आ गई है अब आइए हिंदी की कहानी देखते हैं आइसो क्वांट आर सिमिलर टू इन डिफरेंस कर थ्यूरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद एन आइसो क्वान रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहे मैं कुछ भी करूं मुझे सौ ही आ रहा है आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट ऑल दो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच बी डन इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउट चाहे मैं कुछ भी इस्तेमाल करूं तो ही मिल रहा है तो मैं इनडिफरेंट हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसको चूज करूं कोई भी चलेगा देयर फॉर आइसो क्वांट आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्ट कर्व इक्वल प्रोडक्ट कर्व प्रोडक्शन इन कर्व और आइसो प्रोडक्ट ठीक है इक्वल प्रोडक्ट कहिए प्रोडक्शन का इनडिफरेंस कर्व कही आईसो प्रोडक्ट कर्व कहिए सबका मतलब सेम है बिल्कुल अंशी मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे इनडिफरेंस कर्व में एम आर एस होता था यहां पे एम आर टी एस होता है बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहानी सेम है बच्चों क्या सेम है भैया वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स इंक्रीज हो रहा है और हमेशा क्या होता है बच्चों लॉस अपॉन गेन होता है कि नहीं तो लॉस किधर हो रहा है बच्चों में गेन किधर हो रहा है बच्चों में चेंज इन देखो 4 1 करोगे तो चार आएगा आठ पांच में कितना डिफरेंस तीन अपॉन एक करोगे तो तीन आएगा दो अपॉन एक करोगे तो दो आएगा एक अपॉन एक करोगे तो एक आएगा क्योंकि यहां तो हर जगह जो चेंज है वो वन ही तो है तो हमने क्या पढ़ा है बच्चों स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू एम आर टी एस और ये बन गया हमारा बच्चों आइसो क्वांट जो ये बताता है कि इस लाइन के ऊपर कहीं भी प्रोड्यूसर को सेम आउटपुट मिलेगा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों जीरो और आप बन गए हैं हीरो बताओ बच्चों क्या क्लैरिटी आ चुकी है आपको अब जो कहानी इनडिफरेंस कर्व में होती थी वही इसमें होगी इनडिफरेंस भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था क्योंकि इंक्रीज इन वन डिक्रीज इन अदर इनवर्स रिलेशन इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स था कॉन्वेक्स था एम आर एस की वजह से ये भी कॉन्वेक्स है लेकिन एम आर टी एस की वजह से दो इंडिफरेंस कर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते थे तो दो आइसो क्वांट भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं दो इनडिफरेंस कर ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकते थे ना वाई एक्सिस को टच कर सकते थे आइसो क्वांट भी ना ही एक्स एक्सिस को टच कर सकते हैं ना ही वाई एक्सिस को टच कर सकते हैं हायर द इनडिफरेंस करफेक्शन था यहाँ पर भी हायर दायर वीटिस बच्चों आइसो कॉस्ट लाइन अगर मैं बच्चो सी पॉइंट से निकाल दू यहां से ऐसे निकाल दू यहां इकविलिवीरियम बन जाएगा अगर मैं इसको मिटा दू ठीक है अगर मैं इसको मिटा दूं और फिर बच्चे यहां से निकाल दूं तो यहाँ इक्विलिब्रियम बन जाएगा फिर मैं इसको मिटा दूं अगर यहाँ से निकाल दूं तो यहाँ इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो आइसो कॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन बजट लाइन और द बजट कॉन्स्टेंट लाइन लेकिन ये वाला जो बजट लाइन है ये वाला जो बजट कॉन्स्टेंट लाइन है ये किसका है ये आइसो कॉस्ट ये प्रोड्यूसर का है वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर इज द फॉर्म कैन बाई विदिवन आउट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है जहां पर प्रोड्यूसर का इक्विलीवीरियम बनता है आप सभी लोगों ने आंसर दे भी दिया मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट दैट लीड्स टू मैक्सिम मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट चैप्टर हो गया बच्चों समाप्त लगभग पौने दो घंटे की क्लास में पूरा प्रोडक्शन चैप्टर आपके दिमाग में फिट जी। तो जिनको भी जो भी दुविधा थी समस्याएं थी आई होप सब खत्म हो चुकी है नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट करेंगे और प्रोडक्शन और कॉस्ट का एमसीक्यू एक साथ करेंगे ठीक है हां जी आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों थैंक यू सो मच गुड नाइट